guys, welcome back to our channel. I'm Shweta. And I'm Shreya. So guys, we are back with another video today. और आज हम लोग reaction देने वाले हैं fighter के कौन दूसरे song पे, जिसका title है इश्क, इश्क जैसा कुछ. और इसके singer है विशाल शेखर and शिल्पा राव. और last song में भी विशाल शेखर ही singer थे और शिल्पा राव भी थी female vocal में. और इसमें भी है और and this is a kind of तो हम लोग सुन लेते हैं पहले सॉन्ग को एंड आफ्टर दैट वी विल गिव आवर रिएक्शन. तो स्टार्ट करते हैं. सारी रात होते हैं सपने तेरे आएंगे कैसे, जो काम है दिल के कर लेंगे आज हम मिलके तेरे हो जाएंगे ऐसे. बातें अधूरी सी तुझसे है पूरी सी, गलती फिजूल की जो अब है जरूरी सी. तेरा मेरा मिलना कहानी जैसा है, चलो बह जाए इश्क पानी जैसा है. मेरी नजरों ने तेरी नजरों से आ गई कही और कुछ अधूरी सी बात रह गई. बातें अधूरी सी तुझसे है पूरी सी, गलती फिजूल की जो अब है जरूरी सी. रोमांटिक सॉन्ग ही था, काइंड ऑफ रोमांटिक सॉन्ग था, काइंड ऑफ रोमांटिक सॉन्ग, प्रॉपर रोमांटिक सॉन्ग भी नहीं था एंड पेपी नंबर तो बिल्कुल भी नहीं था. बहुत अच्छी वाइब थी सॉन्ग की. एक्चुअली जहाँ से सॉन्ग स्टार्ट हुआ वो स्टार्टिंग पोर्शन थोड़ा जो लुक था हाँ, बहुत और जब दीपिका को दिखाया गया फर्स्ट लुक तब वहाँ पे थोड़ी सी बेशरम रंग वाली वाइब आ रही थी, क्योंकि ऐसे सीन्स वहाँ पे भी थे. लुक काफी अच्छा लग रहा है. ये देख के मुझे ऋतिक की भी कोई सॉन्ग किया था कैटरीना के साथ, मेहरबान हुआ. हाँ मेहरबान हुआ, वहाँ पे भी एक ऐसा ही ऋतिक का सीन था. मुझे एक्चुअली बीचेस के साइड में जो सॉन्ग शूट होता है वो बहुत अच्छा लगता है. एज प्रॉपर सनशाइन आती है तो वो दिखने में बहुत खिला खिला लगता है, बहुत वाइब्रेंट लगता है एंड बहुत वाइब्रेंट लग रहा था. बहुत अच्छी वाइब आ रही थी, पॉजिटिव वाइब. खासकर जब सनलाइट होती है तो एक पॉजिटिव वाइब बढ़ी जाती है. और जब रिलीज सॉन्ग भी काफी अच्छा था, मुझे फीमेल वोकल ज्यादा अच्छा लगा इस सॉन्ग की. आवाज जो है बेसिकली सेडक्टिव वॉइस है उनकी. मुझे फीमेल वोकल ज्यादा अच्छा लगा. बेशरम रंग में था वो भी उन्होंने गाया था और इसके लास्ट सॉन्ग में भी जो वोकल थी वो उनकी थी. उनकी थी. शिल्पा राव इज अ राइजिंग स्टार बेसिकली एंड विशाल शेखर का तो हमें पता ही है. उनकी वॉइस भी और अच्छा किया है इसमें, उनके वॉइस को रखा है क्योंकि इस सॉन्ग में उनकी वॉइस बहुत सूट कर रही है. आई डोंट थिंक सो इसमें अरिजीत सिंह की आवाज जाती. अरिजीत सिंह की वॉइस नो डाउट अच्छी है बट इस सॉन्ग के साथ आई डोंट थिंक सो उनकी मैच. अब हम लोग नहीं भी नहीं बोल सकते क्योंकि अब उन वो किस सॉन्ग को किस तरीके से ढाल दे वो समझ पाना मुश्किल है. विशाल शेखर ने बहुत अच्छा निभाया. मुझे ये सुन के लगा कि उनकी वॉइस जो है ये फिट हो रही है इस सॉन्ग में. एंड हाँ, ऋतिक और दीपिका की केमिस्ट्री काफी अच्छी लग रही है. मुझे पर्सनली ऋतिक की केमिस्ट्री कटरीना के साथ बहुत अच्छी लगती है. उनकी वो मूवी आई डोंट रिमेम्बर द नेम, तो बैंग बैंग.
हाँ बैंग बैंग मूवी थी। अच्छा तो उसमें बहुत अच्छी लग रही थी उन दोनों की केमिस्ट्री, एंड दीपिका के साथ भी अच्छी लग रही, स्पेशली दैट सीन, वो जो बीच के साइड में जो हाँ शी वाज सिटिंग ऑन हिज लैप, वो सीन काफी वायरल हो रहा है, ब्लैक बिकिनी, हाँ 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 काफी वायरल हो रहा है वो सीन, एंड दे आर लुकिंग रियली गुड सिजलिंग केमिस्ट्री, अच्छा लगा मुझे देख के दोनों को। मुझे तो खास करके इस सॉन्ग में फीमेल पोर्शन जो था, फीमेल वोकल जो था, वो मुझे ज्यादा पसंद आया है, एंड मतलब एक क्या बोलूं मैं, ऑफकोर्स मेल वोकल भी अच्छा था, बट वो होता है ना कि अगर आपको चूज करना पड़े कौन सा चूज करना, तो मैं फीमेल वोकल को ज्यादा प्रेफर करूंगी, क्योंकि मुझे वो ज्यादा पर्सनली मुझे वो ज्यादा अच्छा लगा। एंड बात रही सॉन्ग की एंड सीन्स की एंड लोकेशन वगैरह की, तो वो तो भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इवन था भी, क्योंकि एज हमें पता है कि सनलाइट जो मेन अट्रैक्शन कॉस्ट्यूम्स आर अमेजिंग, मुझे दीपिका का सेकंड कॉस्ट्यूम जो था वो ज्यादा अच्छा, ऑल वाइट, हाँ सिल्वर काइंड मुझे था। वो ज्यादा अच्छा लगा, ब्लैक था अच्छा बट मुझे वो सिल्वर वाला ज्यादा अच्छा लगा, और इतनी के सारे लुक की कमाल के, स्पेशली जो ब्लू उठ रहा है और ब्लू शर्ट में जो इतिका लुक था, वो मुझे बहुत कमाल का लुक था, एवरीथिंग वाज सुपर्ब इन दिस सॉन्ग, सो बहुत मजा आया सुन के इसमें रिएक्शन देके, एंड वी होप आपको भी अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हम जब भी कोई न्यू वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। अब हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।